फेशियल में तो 500 रुपये लगने, और तेरे मैंने 400 रुपये बचा दिए। डबल डबल एज की होंगी और तब भी देखो मेरे मुंह में रौनक इतनी आई है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। फाइनली आज हमने बना लिया इडली। मम्मी इसकी 2 दिन से फरमाइश कर रही थी तो हमने बनाया है इडली। देखिए यह है मम्मी की थाली। इडली के साथ हमने बना रखा है सांभर, और यह है मूंगफली की चटनी, और यह है इमली की चटनी जो उन्हें चाहिए थी। अब देखते हैं उन्हें ये खाना कैसा लगता है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपनी मम्मी जी के पास खाना लेके। तो ये रही मम्मी आपका फेवरेट नाश्ता, ये इमली की चटनी साइड में रह गई। ये इमली की चटनी थोड़ा थोड़ा डालना, ज़्यादा नहीं दे रखा है, ठीक है। आहा, आपके चेहरे पे तो रौनक आ गई। सांभर, इडली और इमली की चटनी। इमली की चटनी मुझे बहुत पसंद आई है। आज कितना अच्छा लग रहा, मेरा कलेजे में ठंडी पड़ गया। तो खाओ तो सही, तभी तो ठंडी पड़ेगी। बहुत स्वाद हो रहा है, बहुत स्वाद। कजू गर्फ नाचे में ये सर धब्बे पड़ गए मुँह में। यहाँ का पानी छी बहुत गंदा है ना, आज मुझे फेशियल करना पड़ा लगू मुँह को। जैसे मैं पहले करते थे ना वैसे करना पड़ेगा आज। दगड़ियों आज में तुमको अपना फेशियल से होना घर जो घर उपचार होना हमार वो देखो। ब्यूटी पार्लर जाना, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, क्या होता है ब्यूटी पार्लर में करते तो हैं वो फेशियल, पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं उसमें, मतलब 10 दिन के अंदर फिर अपने जैसा मुँह हो जाता हो, जैसे ही मुँह था वैसे ही हो जाता। 10 दिन तक थोड़ी चमक रहती है, लेकिन जो मैं आपको सिखाऊंगी पूरा वीडियो देखना मेरा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मैं पूरी वीडियो देखना, मैं आपको दिखाती हूँ अपना उपचार। अगर आपको मेरा फेशियल अच्छा लगेगा तो क्या करना, कमेंट कर देना उसमें। आजकल का फेशियल जो है ना वो मुंह को ख़राब कर देता है। क्या होता है, छाइयाँ जैसी पड़ जाते हैं, पिंपल आ जाते हैं, जिनको खुंची कहते हैं हम लोग, तो क्या होता है मुँह ख़राब हो जाता है। जो घर का फेशियल है वो कभी ख़राब नहीं होता है, बिल्कुल भी सूट नहीं भी करेगा, लेकिन नुकसान भी नहीं करेगा। लेकिन आजमा के देखो। पहले मैं मधु को बुलाती हूँ, जो जो सामान है आप देखते रहना, और मैं उसको इकट्ठा करती हूँ, फिर बनाती हूँ, फिर लगाती हूँ, आप देखते रहना। लो मम्मी कटोरी चम्मच ला गई। हाँ, और वो ले जा मलाई। हाँ इसमें है, लो बेसन। ये बेसन हाँ निकाल लो अपने हिसाब। क्या करोगे अब? देखो इनको मिलाते हैं, वैसे तो हल्दी भी मिलाते हैं। हाँ, अब हल्दी नहीं मिला रहे मैं, अभी ऐसे ही बना रही। अच्छा, हल्दी परसों मिलो। अच्छा, 2 चम्मच डाल दिया। हाँ, फिर मलाई डालती हूँ इसमें। दूध भी मिक्स है इसमें? हाँ हाँ, मिक्स दूध भी है और मलाई भी। फिर इसका घोल बनाती हूँ आराम से ले। अरे उबटन बना रहे हो क्या? हाँ, कुछ सुबह देखना मुंह में कितनी रौनक आती है। अच्छा, आप तो अभी भी चमक रहे हो मम्मी। ना पुराने लोग तो ब्यूटी पार्लर नहीं जाते थे ना, घर ही में बनाते थे। अच्छा, तो आपकी सुंदरता का राज यही है? मैं कभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया अपने चेहरे। अच्छा, इससे अलावा। अच्छा, इसी को लगाती हूँ। ये बन गया, तैयार हो गया। ब्यूटी पार्लर में जाते हैं 1-1 घंटा लगाते हैं लोग, तो अपने हाथ का है, अपने चीज है, बहुत अच्छी बात है। मधु तू भी लगा।
ना यार मम्मी, कौन लगे रहता है बबाल में? ओहो बबाल क्यों कह रही, तेरे से तो मैं डबल तबल एज की होंगी, और तब भी देखो मेरे मुंह में रौनक इतनी आई है, अब तेरे मुंह में दाने हो रहे हैं हल्के हल्के। रौनक तो हुई आपके फेस पे, इस पे तो कोई शक नहीं है, है ना? तू भी लगा बेटा, बच्चे सोए हैं अभी, कहाँ लगे रहोगी मम्मी बबाल में? बबाल नहीं है ये तो अपने घर की बीती है, ये बहुत अच्छी है, देखो मैंने लगाया, क्यों नहीं रही? क्या यार मम्मी कहाँ लगे रहोगे? अरे सब दाने आने साफ हो जाते, तू एक बार आजमा तो सही इसको, ठीक है आजमा, ठीक लगा के देखती हूँ। हाँ क्या बबाल लगे हो? ये तो ठंडा पड़ा, अच्छा है ना ये चीज? मेरे बच्चे डरेंगे तो नहीं? कोई नहीं डरता, 20 मिनट, 15 से 20 मिनट तक लगा, उसके बाद में धो देना मुंह पर, कुछ मत लगाना, साबुन से मत धोना सिरा बाहर। अच्छा शीशा देख लो? हाँ शीशा देख के लगाओ, घरेलू फेसियल हमारा। दाने तो बहुत हो गए यार मुंह में, दाने हो रहे तेरे मुंह में, देखती हूँ कल को मम्मी जैसी चमकती है। मम्मी हटाओ इसे, निकालो, ठंडा लग रहा है, मम्मी निकालो। बेसन 100 रुपए किलो हो रहा है, और ये बेसन का ऐसे मिस यूज कर रहे हैं। फेशियल में तो 500 रुपए लगने, अब तेरे मैंने 400 रुपए बचा दिए। तो दोस्तों देखिए मेरा फेशियल हो चुका है, ठंडक तो महसूस हो रही है, अब निखार आया कि नहीं आया ये तो कल को पता चलेगा। हाथों हाथ मैंने अपना सर भी धो लिया है, क्योंकि इसमें भी ना बेसन लग गया था आगे आगे से बालों में, तो मैंने हाथों हाथ सर धो लिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल को लाइक शेयर कीजिए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।